खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां रामलला सरकार के सत्यम जी महाराज ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संतों पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की। सत्यम महाराज ने कहा कि संतों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। सत्यम महाराज ने दावा किया कि 2024 और 25 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर स्वास्थ्य संबंधित संकट आ सकता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्यम महाराज का दावा है कि भाजपा को 365 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि राम भक्त और हनुमान भक्त के बीच युद्ध है, जिसमें राम भक्त की जीत होगी। तो जितना वो अध्ययन किए हैं, चिंतन किए हैं, मनन किए हैं, उस विषय को लेकर बोलते हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनके पास जाके उनको समझाया जाए, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको समझाया जाए, बताया जाए कि आप संत समाज के ही अनुयायी हैं या संत ही हैं तो आप ऐसा ना बोलें। लेकिन उनको टारगेट करते हुए समस्त संतों के बारे में बोलना कि अगर कुछ ऐसी बात सामने आएगी तो नंगा कर दिए जाएंगे, ये कहना एक संत के मुख से शोभा नहीं देता। और वो संत जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को बहुत बड़ा रूप देने का संकल्प लिए हैं, उनके मुख से कहना ये ठीक नहीं है।